केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन मामले की जांच सीबीआई ने की शुरू, सबूत मिलने पर दर्ज हो सकता है आपराधिक मामला। बंगले की जांच पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा बीजेपी चाहे कितनी भी जांच करा ले कुछ नहीं निकलेगा। अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम रहते गुजरात में किए गए कामों का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा वाइब्रेंट गुजरात ब्रांडिंग नहीं मेरे लिए बॉन्डिंग है, 20 साल पहले बोया बीज आज वट वृक्ष बना। गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी गारंटी, कहा भारत जल्द ही टॉप 3 इकोनॉमी में होगा शामिल। पीएम मोदी बोले एजेंडा चलाने वालों ने दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की, मैंने गुजरात को हर संकट से बाहर निकालने के लिए संकल्प लिया था। पीएम ने कहा आज गुजरात कहां पहुंच गया है, जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा अगर इन्हें महिलाओं की सही में चिंता होती तो महिलाओं को लेकर लाई गई योजनाओं का मजाक नहीं उड़ाते। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1 अक्टूबर को तेलंगाना तो 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भोपाल में हुई बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बैठक, मीटिंग में ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, सुशील मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल। टिकट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कहा चुनाव में बीजेपी केंद्रीय मंत्री नहीं अपने कार्यकर्ता को उतार रही है। दिग्विजय सिंह का बयान, बीजेपी में कट सकते हैं बड़े बड़ों के टिकट, डरे हुए हैं मोदी और शाह। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बोले जितने सजावटी उम्मीदवार बीजेपी ला रही है जनता में उतना ही गुस्सा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव बोले एमपी में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यहां समाजवादी सरकार की जरूरत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बच्ची के साथ दुष्कर्म, बच्ची की हालत नाजुक, जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा रेप केस में कड़ी कार्रवाई होगी, एक संदिग्ध किया गया गिरफ्तार। उज्जैन की दर्दनाक और जघन्य घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कड़ी कार्रवाई करने की बात। उज्जैन में दरिंदगी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, सुरजेवाला बोले शिवराज सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे नीतीश के समर्थन में पोस्टर, इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने फिर बोला नीतीश पर हमला, कहा जेडीयू के सांसद विधायक चाहते हैं कि नीतीश बीजेपी से गठबंधन कर ले, लेकिन नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है। जेडीयू से निकाले गए पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन, नीतीश को बीजेपी के साथ जाने का दिया था सुझाव। संसद में मनोज झा की ठाकुरों वाली कविता पर सियासी बवाल, बीजेपी नेता नीरज बबलू बोले मेरे सामने बयान देते तो मुंह तोड़ देता। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में तकरार की खबर है, नहीं बनी सहमति, सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल 30 सितंबर तक चाहते थे सीटों का बंटवारा। सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी की सफाई, प्रवक्ता आशुतोष बोले बीजेपी फैला रही है कंफ्यूजन, गठबंधन का फॉर्मूला तय है, जल्द हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, ओपी राजभर और दारा सिंह बनाए जा सकते हैं मंत्री। महंत दिग्विजय नाथ की 54वीं पुण्यतिथि पर बोले सीएम योगी जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में देश प्रथम का भाव आ जाएगा उसी दिन भारत दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। पंजाब में नवजोत सिद्धू ने सीएम मान से मांगा प्राइवेट जेट के खर्चे का हिसाब, मान पर माफियाओं को पालने का भी लगाया आरोप। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का इस्कॉन संस्था पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप, कहा कसाईयों को गाय बेचता है इस्कॉन। मेनका गांधी के बयान पर इस्कॉन ने दी सफाई, प्रवक्ता ने कहा मेनका के आरोपों की हो चुकी है जांच, जांच में कुछ निकल कर नहीं आया। मेनका और इस्कॉन की लड़ाई में अखिलेश यादव ने ली एंट्री, बोले बीजेपी वालों ने पहले राधास्वामी सत्संग को निशाना बनाया, अब गोपालक पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले जेडीएस चीफ देवेगौड़ा, कहा हम सत्ता के भूखे नहीं। कावेरी जल विवाद को लेकर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ बोला हमला, विधानसभा के बाहर किया प्रोटेस्ट। 29 सितंबर को होगी बीजेपी महामंत्रियों की बड़ी बैठक, तेलंगाना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान के प्रभारी देंगे प्रेजेंटेशन। सनातन पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की एक और याचिका। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने लालबाग राजा के दर्शन किए, बप्पा का आशीर्वाद भी लिया। गया में एलजेपी नेता अनवर अली खान की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर से आतंकी अर्शदीप के सहयोगी यूनुस उर्फ जोरा को एनआईए ने किया गिरफ्तार। एनआईए को फोन से मिली अर्शदीप और यूनुस उर्फ जोरा की चैट, आतंकी अर्शदीप डाला के संपर्क में था यूनुस।
छह राज्यों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की बड़ी छापेमारी। गैंगस्टर नेटवर्क, ड्रग्स और आतंकी गतिविधियों पर कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिले हथियार। पंजाब के मानसा में एनआईए का एक्शन। लॉरेंस बम्बिहा और अर्श ढल्ला गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ हुई छापेमारी। हरियाणा के रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर पर एनआईए का छापा। विदेश से गैंग चलाने का आरोप। एनआईए की फरीदकोट में सुखजीत सिंह और भोला सिंह निहंग के घर छापेमारी। गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों के बीच संबंधों को लेकर एक्शन। एनआईए की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। आईएसआई के नक्शे कदम पर खालिस्तानी। खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हो रहा है इस्तेमाल। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में एसआईए की छापेमारी। अनंतनाग जिले में टेरर केस से जुड़े मामलों की जांच जारी है। मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद। जुलाई से लापता 2 छात्रों का शव मिलने के बाद फिर से प्रदर्शन शुरू।